गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज डेफिनेशन कुछ परिभाषाएं लेके आया हूं जो कि आज बताया जाएगा। पहला, सबसे पहले बिंदु, पहला है बिंदु, इसको अंग्रेजी में कहते पॉइंट, इसके बारे में जानेंगे। ये बिंदु होगा, ये क्या हो बिंदु, इसकी परिभाषा क्या करेंगे, इसमें न लंबाई है न चौड़ाई है न मोटाई है, केवल छोटा सा स्थान छेदती है, वही तो बिंदु होता है। वही बात को लिख देना है जिसमें न लंबाई हो न लंबाई हो न चौड़ाई हो, चौड़ाई हो और न मोटाई हो, और न मोटाई हो केवल केवल छोटा सा स्थान छेदती हुई हो, छेदती हुई हो उसे बिंदु कहते हैं। यह एक बिंदु की परिभाषा। दूसरा, एक लाइन खींच देता हूं, दूसरा परिभाषा है कोण। सो कहते एंगल, ANGLE, एंगल। एंगल का परिभाषा करेंगे, देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट पे दो सरलेखें आकर के मिलती है, यही एक दो रेखा है, एक सीधी रेखा है और एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पे आके मिलती है, तो उनके बीच झुकाव उत्पन्न हो जाता है, इसी झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा क्या करेंगे, जब एक ही बिंदु पर दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं आकर मिलती है तो उसके बीच झुकाव उत्पन्न होता है, झुकाव उत्पन्न होता है, उसी झुकाव को कोण कहते हैं। यही झुकाव जो हो गया उसको कोण कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन है न्यून कोण, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। लिख लेते हैं, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं।
इसका फिगर ड्रॉ किया जाए ऐसे ऐसे, ये रेखा ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। यही कोण क्या कहलाएगा, अगर क्या कहते ओ ले लें और इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ये जो कोण होगा ये न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब समकोण, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर ड्रॉ किया जाए ऐसे ऐसे, नहीं यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 5 मिली अधिक को, अधिक को, अधिक को ऑब्ट्यूज एंगल, ओ बी टी यू एस, ऑब्ट्यूज एंगल, ए एन जी एल ए। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा छोटा हो उसे अधिक कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसका फिगर ड्रॉ किया जाए ऐसे ऐसे, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और यहां से यहां तक का जो कोण हुआ वो अधिक कोण कहलाएगा। अब हम नीचे वाले को मिटाते हैं। ऋजु को, सिक्स में है ऋजु को, ऋजु को इसको स्ट्रेट ट्रायंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण, सरल कोण कहते हैं। इसका फिगर ड्रॉ किया जाए ऐसे, एक पॉइंट मान लीजिए और यहां से यहां तक का योग 180 डिग्री है, ऋजु कोण हो गया। अब सेवन में प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका होता क्या, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 180 डिग्री से, 180 डिग्री से अधिक और
360 डिग्री से कम उसे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसका अगर फिगर ड्रॉ करना तो ऐसे करेंगे, ऐसे 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 और यहां से लेकर के यहां तक, यानी मान लीजिए ये रेखा वही सीधा रेखा जाएगा तो यहां से यहां का जो कोण बनेगा वही आपका प्रतिवर्ती कोण हुआ। इस प्रकार से हम प्रतिवर्ती कोण को पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने बिंदु कोण, निम्न कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण का परिभाषाओं को आपको बताया, जो कि माप के आधार पर कोण, निम्न कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण माप के आधार पर बताया गया। अब अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, पेयर्स एंगल, पेयर एंगल्स के बारे में बताएंगे, जो कि दो कोण मिलकर के बनता है, पेयर्स एंगल के बारे में बात करेंगे। अब नहीं पता कि मैं अब